सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफाई होने के लिए सिंपल होममेड रेसिपीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद एन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ टोमेटो मसाला पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मुंबई का काफी फेमस स्ट्रीट फूड भी है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप पके हुए बासमती चावल, 2 टमाटर का प्यूरी कर दिया है, 1 टमाटर रफली चॉप किया हुआ, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप फूल गोभी, 1/2 कप मटर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और 2 टेबलस्पून ऑयल। एक पैन को मीडियम हीट पे गरम कर देंगे। जैसे ही गरम होता है हम उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम होता है हम उसमें जीरा डाल देंगे और उसे थोड़ा पकने देंगे। अब उसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने तक पकने देंगे। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से पक चुका है। अब उसमें हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, मटर, शिमला मिर्च और फूल गोभी डाल देंगे। इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर या पत्ते गोभी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसे मिला लेंगे। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटा देंगे। ये सब्जियां हल्की सी पक चुकी हैं। अब इसे मिला लेंगे एक बार। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर, टमाटो प्यूरे, पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इन सब्जियों को हम इस मसाले में 4 से 5 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन उठा लेंगे। अब ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये सब्जियां भी इस मसाले में पक चुकी हैं अच्छे से। अब इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मसाला थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसे मिला लेंगे। अब इस पुलाव को हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकने देंगे। 1 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन उठा लेंगे। बस इसे एक बार और मिला लेंगे। अभी पुलाव तैयार है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल देंगे। टमाटो मसाला पुलाव बनके तैयार है। आप इसे रायता या पापड़ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।